हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेडली मिनी सेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक वीडियो। लेकिन वीडियो से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से कि एक तो मुझे इस यूट्यूब पर पूरा 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है, और 1.5 साल के साथ साथ मेरे पूरे 5,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, ये आपके वजह से पॉसिबल हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 5,000 सब्सक्राइबर्स की सौगात मिली है 1.5 साल होने पर। तो मैं चाहूँगी कि हमारा ये जो सिलसिला है ये आगे भी बना रहे। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे ऐसा तो पता ही है कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को दिखाइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, और जल्दी जल्दी मेरी फैमिली को और बड़ा कर दीजिए इतना ही प्यार और सपोर्ट दिखाकर। तो बाकी बातें तो बाद में भी चलती रहेंगी, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है जीपैट प्रिपरेशन सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं लाई हूँ कुछ और नए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे साथ मेरी इस वीडियो और मेरी सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का वीडियो इन क्वेश्चन के साथ। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट ऑफ सेंसिटिविटी टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एज। तो इसमें ये सारे हमको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, जिसमें जो राइट आंसर है वो ये वाला है। फर्स्ट है किरबाय बॉयर टेक्निक, जो है वो सेंसिटिविटी टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए यूज़ होता है। बाकी क्यों नहीं होते? बाकी एक्चुअली जो जितने सारे हैं वो इम्यूनो डिफ्यूजन की टेक्निक्स हैं। इम्यूनो डिफ्यूजन की टेक्निक्स, ये तो खुद ही इम्यूनो डिफ्यूजन लिखा है, ये भी एक तरह का इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक है, और ये भी। तो ये तीनों ही इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक्स हैं। मीन्स ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिकग्नाइजेशन होता है उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विद रिड्यूस डाई सब्सटीट्यूटेड, नहीं एक्चुअली दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिड्यूस अ डाई सब्सटीट्यूटेड एल्काइन टू सिस एल्कीन। इट्स नॉट एल्केन, इट्स एल्कीन। तो इसका आंसर होगा एक्चुअली दिस वन। एक्चुअली इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि इन्होंने पूरा नाम नहीं दिया है, जो हमारा रीजेंट है उसका पूरा नाम देना चाहिए था, बट यहाँ पर पूरा नाम नहीं है। इनकी तो कहानी अलग है, ये तो जो हमारे एल्काइंस हैं उनको रिड्यूस करते ही नहीं, इनसे बनते हैं ट्रांस एल्कीन्स, बट हमने बनाना है सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन बनता है पैलिडियम प्लस H2 से। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर वो आएगा ये वाला। बट मैं तभी कहूँगी इसमें कंप्लीट आंसर नहीं है ये, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें ऐड होती हैं। एक पूरा रिएजेंट बनता है, वो उसका नाम इसमें दिया नहीं गया है, बट ठीक है, अभी के लिए मुझे लगता है यही वाला आंसर जो है सबसे करेक्ट होना चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच फैटी एसिड इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द डाइट। तो उसका जो आंसर है वो होगा हमारा लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया, ये जो है ये क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं, वो आपको डाइट से लेने पड़ते हैं। लिनोलिक एसिड तो फिर भी बॉडी के अंदर अगर लिनोलेनिक एसिड होगा तो उसे बन जाएगा, बट लिनोलेनिक एसिड आपको एनी हाउ डाइट से ही लेना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है अकॉर्डिंग टू द USP विच डिसॉल्यूशन अपैरेटस इज इंक्लूडेड एज टाइप 4 डिसॉल्यूशन अपैरेटस। तो इसका जो आंसर है वो है फ्लो थ्रू सेल अपैरेटस। एक लिस्ट होता है इनका, जो लिस्ट में जैसा नंबरिंग उनका दिया रहेगा आपको वैसा ही उसको याद करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी फार्मासिस्ट वाले एग्ज़ाम में। अभी रिसेंटली जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था स्टोर कीपर वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, सेम ऐसा के ऐसा ही आया था। तो इसका आंसर फ्लो थ्रू सेल अपैरेटस था। अगर जिन लोगों ने ये थोड़ा बहुत रीड किया होगा तो उनको ये आंसर मालूम होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल क्लास ऑफ ड्रग्स इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। इसमें दो आंसर तो पहले ही कट हो जाते हैं, ये दोनों तो नहीं है। बात आती है इन दोनों के कॉम्पिटिशन में। तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है इसका वो है स्टेरॉल्स, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई कि ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन फला फला कंडीशन के साथ, है ना। तो मेन तो है कि स्टेरॉल्स ही इसका राइट आंसर है, कि स्टेरॉल्स जो होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि वो स्टेरॉल्स हैं।
है ना, कोलेस्ट्रॉल के भाई बंधु हैं वो, तो उसमें तो ससेप्टेबल हो गई वो ऑक्सीडेशन के लिए। बात करूँ मैं लैक्टम्स की, तो लैक्टम्स जो हैं उस वो भी ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टेबल हो सकते हैं, बट अगर उनको फेरस फेरिक आयन्स मिलते हैं, क्यूप्रिक आयन्स मिलते हैं, तब वो कहीं जा कर के ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए। तो राइट आंसर ये तो नहीं है, हमारा राइट आंसर स्टेरॉल्स ही है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है दिस वन, इफ़ द ड्रग सब्सटेंस हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड एज डैश ड्रग। ये जो है ये आता है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ मेडिसिन की, मतलब कुछ ड्रग्स की लिस्ट दी गई है जिसमें तीन ही नाम आते हैं, ये उसमें से कोई नाम नहीं है, तो उसको तो पहले नंबर हटा दीजिए। फर्स्ट है एडल्ट्रेटेड ड्रग, सेकेंड है स्पूरियस ड्रग, थर्ड है मिसब्रांडेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग मतलब जिसमें कुछ मिलावट हो, नाम से लगेगा कि शायद यही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस ड्रग में क्या होगा, मतलब जाली नकली ड्रग, और मिस ब्रांडेड मतलब जिसमें ब्रांड मतलब गलत सलत जिसमें लेबलिंग की गई हो। तो ये जो है अगर आप उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर है स्पूरियस ड्रग। उसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें डेफिनेशन डी जो है वो एज इट इज़ यही है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्रिंसिपल अपॉन विच HPLC डिटेक्टर फंक्शन इज, ओके जिस पर HPLC डिटेक्टर काम करता है वो प्रिंसिपल बताना है। तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर लगता है कि जो HPLC डिटेक्टर है मेनली उसमें एक ही तरीके का डिटेक्टर यूज़ होता है, वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। तो इसका राइट आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरीन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन, तो इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा, इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर है यूरिक एसिड। प्यूरीन मेटाबॉलिज्म में जो लास्ट प्रोडक्ट बनकर आता है वो होता है हमारा यूरिक एसिड, और उसी के कारण हमको गाउट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है अगर ये ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो, और जॉइंट्स में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है। ये चीज़ स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अ क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम टर्निंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl टर्न द सोल्यूशन मजेंटा कलर्ड, द टेस्ट इज़, एक पूरा प्रोसीजर दे दिया हमने पहचानना है कि टेस्ट कौन सा है। इसका आंसर है शिनोडा टेस्ट। शिनोडा टेस्ट जो है वो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, बाकी इनमें से कोई टेस्ट नहीं है ये। शिनोडा टेस्ट जो है वो आप ग्लाइकोसाइड्स के लगे लगाते हैं, अगर आप टेस्ट प्रॉपरली पढ़ते हैं। अच्छा मेरे लिए ना आप मतलब मेरी तरफ से आपके लिए एक क्या कहूँगी मैं, सजेशन रहेगा कि जब भी आप GPAT के लिए पढ़ते हैं तो आप सभी तरीके के जो क्या कहना चाहिए मुझे, जितने भी तरीके ग्लाइकोसाइड हो गया, एल्कलॉइड हो गया, टर्पीन्स हो गए, सभी के आप टेस्ट ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। नेक्स्ट है द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स बैन ऑन देयर हंटिंग, देयर यूटिलाइजेशन इन एक्सपेरिमेंट्स एंड इज गवर्न बाय विच एक्ट, मुझे लगता है मैं कुछ खा गई हूँ यहाँ पर, तो जो भी है, तो मतलब कुल मिलाकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनिमल्स के ऊपर जो हंटिंग होती है और उनका जो एक्सपेरिमेंट में क्या यूटिलाइजेशन है, उस सब का जो रूल्स हैं वो किस एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये तो इस ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्लियरली दिख रहा है हमको क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है टिमोलोल इफ एडमिनिस्टर्ड ऑफ्थैल्मिकली देन विच इफेक्ट इट विल एग्जिबिट, अगर इसको हम ऑफ्थैल्मिकली लेते हैं आँख में डालते हैं तो कौन सा इफेक्ट ये देगी, तो इसका सीधे सीधा आंसर है डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज करती है, और आमतौर पर हम इसको ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं, पता ही होगा। तो ये था आज का वीडियो, अगर इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ डाउट रह गया हो या आपको लगता हो कि शायद मैंने कुछ मिस्टेक की है या आपकी तरफ से कोई और सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।